दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप वेबसाइट या ब्लॉग बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि यार ब्लॉगर यूज करूं या वर्डप्रेस, यार अच्छा कौन सा है, ब्लॉगर अच्छा है या वर्डप्रेस अच्छा है। और ये सवाल 100% आपके दिमाग में जरूर आया होगा। कुछ लोगों ने तो मुझे कमेंट भी किया था कि सर वर्डप्रेस अच्छा है या ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में मैं फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपके लिए ब्लॉगर अच्छा रहेगा या वर्डप्रेस अच्छा रहेगा, या फिर यूं कहो कि मैं दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताने वाला हूं, फिर आप खुद फैसला करिएगा कि कौन सा अच्छा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लॉगर के एडवांटेज की। तो आपको बता दूं, अगर आप ब्लॉगर पर ब्लॉग बना रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, सबसे बड़ा जो फायदा है, वो तो ये है कि आपको सिक्योरिटी पूरी मिलती है, क्योंकि आप अपना जो ब्लॉग है वो गूगल के सर्वर पर रन करा रहे हैं। तो गूगल की जो सिक्योरिटी है उसके बारे में तो ज्यादा बात कितनी भी कर लूं वो कमी रहेगी। आप सब समझते हैं कि गूगल की सिक्योरिटी बहुत ही मजबूत है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये आपको जीवन भर फ्री में होस्टिंग देता है। बस आप 100-200 रुपए का एक डोमेन परचेज कर लीजिए और इस पर वेबसाइट बना लीजिए, फिर आपको होस्टिंग के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। तीसरा एडवांटेज ये है कि बहुत ही इजी है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग में, आपकी स्टार्टिंग है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से एक दो ट्यूटोरियल की वीडियोस देख लीजिए, या नहीं भी देखेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप ब्लॉग अच्छा सा बना सकते हैं। अब बात करें डिसएडवांटेज की, कि डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये कि यहाँ पर जितनी भी आपको थीम मिलती है वो एक लिमिट में मिलती है, फ्री में आपको थीम नहीं मिलती। उनके लिए आपको मतलब फ्री में या पैसे देके प्रीमियम में कैसे भी आपको बहुत ज्यादा स्टाइल की थीम नहीं मिल पाती है। दूसरा ये कि आप इसको बहुत ज्यादा अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते, आपको थोड़ा बहुत लिमिट में ही काम करना पड़ेगा। और तीसरी जो बात वो है कि जो एसईओ की बात करें, अगर एसईओ की बात करें तो यहाँ पर आपको एसईओ टूल और प्लगइन वगैरह नहीं मिलते हैं, ज्यादा बहुत लिमिटेड काम होता है, और आपको खुद से अपने ब्लॉग को एसईओ कराना पड़ेगा, यानी कि सर्च में रैंक कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि वर्डप्रेस में क्या क्या एडवांटेज है। तो वर्डप्रेस में एडवांटेज बहुत है, तो सबसे पहले उसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि वो डिसएडवांटेज है, तो मुझे तो सिर्फ वो डिफरेंस लगता है वर्डप्रेस और ब्लॉगर में। वर्डप्रेस पेड है, यानी कि वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जहां पर आप वेबसाइट बना तो सकते हैं, लेकिन आपको होस्टिंग अपनी सेल्फ रखनी पड़ेगी, यानी खुद पैसे देके आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी डोमेन के साथ। लेकिन यार देखो, आजकल है ना, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो 100 रुपए मंथली में भी आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर सकती है। तो अगर आप एक अच्छी, बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आप सस्ती होस्टिंग लेकर भी वर्डप्रेस पे स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है वर्डप्रेस पे, वो ये है कि आपको टूल्स बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे आपको प्लगइन मिल जाते हैं। और एसईओ की बात करें तो आपको योस्ट जैसे अच्छे अच्छे एसईओ मिल जाते हैं, जिससे रैंक, गूगल में रैंक करेगा आपका ब्लॉग, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर एड मोनेटाइजेशन की बात करें तो दोनों में इक्वल है, वो तो दोनों में मिल जाएगा, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस वर्डप्रेस थोड़ा सा पेड है, हल्का फुल्का आपको पैसा देना पड़ेगा। एक थोड़ा सा यह है कि वर्डप्रेस थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, इसलिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप ब्लॉगर पे स्टार्ट कीजिए, पहले आप ब्लॉगिंग को ठीक से सीख लीजिए, उसके बाद आप वर्डप्रेस पे स्टार्ट कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे बात करूंगा सुरक्षा की, सिक्योरिटी की। तो यार वर्डप्रेस पे जो सिक्योरिटी है वो आपको खुद के दम पे करनी होती है, यानी कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी खुद की होती है। अब आप जहां से होस्टिंग खरीदते हैं वो कितना सर्वर मजबूत है उनकी सिक्योरिटी, या फिर वहां से आप कौन सी सिक्योरिटी प्लान खरीदते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक चीज और भी है मूविंग की। अगर आप वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट पे मूव करना चाहते हैं, अपना डोमेन चेंज करना चाहते हैं, या कोई और मार्केट करना चाहते हैं अपनी चीज को, कुछ भी माइग्रेट कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी मूव कर सकते हैं, लेकिन ये सारे टूल जो मूविंग टूल्स है ये आपको ब्लॉगर में नहीं मिलते हैं। तो मेरा जो निष्कर्ष यहाँ पे वीडियो बनाने का वो ये है कि वैसे तो देखो दोनों बढ़िया है, और घुमा फिरा के बात यह है कि यार जो ब्लॉग है यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है, और जो वर्डप्रेस है यहाँ पे आपको सिक्योरिटी थोड़ी कम मिलती है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, लेकिन एडवांस टूल बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। अब एक चीज यहाँ पे होती है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप ब्लॉग से करें 1-2 महीना, और उसके बाद आप वर्डप्रेस पे जा सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस पे आप काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे, अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन ब्लॉगर में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी।
अब आपका फैसला है कि आप वर्डप्रेस पे बनाएंगे वेबसाइट या फिर ब्लॉगर पर बनाएंगे। मुझे आपने कमेंट किया तो मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मैं योगी योगेंद्र आपसे मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।